नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर के संबंध में हम अपने चैनल के बेसिक सब्सक्राइबर से, जो लाखों की संख्या में हमारे वीडियो को देखते रहते हैं, भले या ही वीडियो यह जो है उनसे संबंधित नहीं हो, लेकिन मेरा एक अपील है, इस वीडियो को 5 मिनट देखिएगा और एक एक व्यक्ति तक शेयर कीजिएगा, ताकि आपको दीन दुनिया की खबर तो पता चलेगी ही, साथ ही बिहार के नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में सुदूर ग्रामीण अंचल घोड़ासहन में क्या चल रहा है ये जान, आपके पैरों तले जमीन न खिसक गई तो हमारा जो है कि बात आप हमसे कीजिएगा। तो 5 मिनट वीडियो को वॉच करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। मेरे बेसिक सब्सक्राइबर वीडियो को देखेंगे तभी जो है कि यह वीडियो वायरल होगा और दुनिया के सामने जिस सच्चाई को हम लाना चाह रहे हैं वह आ पाएगी। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। घोटालों का शहर घोड़ासहन कौन है? घोड़ासहन कहाँ पर अवस्थित है? घोड़ासहन क्या होता है? घोड़ासहन में घोड़ासहन की खासियत क्या है? क्या है घोड़ासहन का आज का टॉपिक, इसको देखते रहिए और जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो आपका स्वागत करते हैं घोटालों के शहर घोड़ासहन में। सारी कहानी आपको बताए उससे पहले थोड़ा सा घोड़ासहन का इतिहास बताना जरूरी है संक्षिप्त में। कहते हैं कि समय के साथ साथ गांव एवं शहरों का विकास होता है, लेकिन घोड़ासहन में ठीक इसके उल्टा हो रहा है। हमारा घोड़ासहन पहले विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। हुआ करता था से मतलब है कि घोड़ासहन विधानसभा क्षेत्र ही था। घोड़ासहन को घोड़ासहन विधानसभा क्षेत्र के नाम से ही पूरे देश और बिहार में लोग जानते थे। फिर घोड़ासहन के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। धोखा यह हुआ कि घोड़ासहन विधानसभा क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया और इसे ढाका विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया। इतिहास रातों रात पलट दिया गया, लेकिन ना कोई आंदोलन हुआ, न कोई आवाज़ उठी और घोड़ासहन विधानसभा क्षेत्र रातों रात इसके नाम को मिट्टी में मिलाकर और ढाका विधानसभा क्षेत्र लिख दिया गया और यह कलंक घोड़ासहन वासियों के माथे पर अब भी बरकरार है कि घोड़ासहन विधानसभा क्षेत्र को समाप्त कर ढाका का जो कलंक का टीका लगाया गया है उसका हम जो है कि फिर एक बार बहिष्कार करने की बात करते हैं। यह तो हमने आपको घोड़ासहन विधानसभा क्षेत्र का संक्षिप्त इतिहास बताया, जो अब जो है कि इतिहास में दर्ज हो चुका है। वर्तमान में जो है कि विधानसभा के नाम से इसे नहीं जाना जाता है, पूर्व विधानसभा ही इसको कहा जाता है। यह जो है कि विकास की कैसी पराकाष्ठा है कि इसका जो है कि विधानसभा से लोकसभा होना चाहिए था, लेकिन यह अब जो है नगर निकाय बन के रह चुका है। न कोई जनप्रतिनिधि है, न कहीं कोई जन आंदोलन है, न कोई इसका नाम का उच्चारण करने वाला भी बचा है। अब हम आपके सामने घोड़ासहन के जिस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं उसमें ड्रामा है, एक्शन है और रोमांच से भरपूर कहानी है, जिसे आपको धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक देखना और समझना चाहिए। घोड़ासहन पूर्वी चंपारण जिले का एक प्रखंड है जो भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। यहाँ प्रमुख रूप से सटर कटवा गिरोह दलाल एवं दलाली के लिए भी इस शहर को जाना जाता है। यहाँ के लोगों में रिश्वत देने की प्रवृत्ति इतना अधिक है कि बड़े बड़े शहरों के अधिकारी यहाँ अपना स्थानांतरण करवाने के लिए ललायित रहते हैं और करोड़ों की बोली लगाकर घोड़ासहन प्रखंड मुख्यालय में अपना जो है कि स्थानांतरण करवाने का काम करते हैं और आने के बाद शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति का खेल। और यह खेल जो है कि अब भी चल रहा है, यह अब भी घूम रहा है। कौन कहा था? गैलीलियो ने कहा था चर्च में जब उसे सजा सुनाया गया कि पृथ्वी घूमती नहीं है, सूर्य जो है कि पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो गैलीलियो ने दबाव में अपनी गलती को स्वीकार किया और मन ही मन बोला कि यह अब भी घूम रहा है, तो जाकर प्रखंड में देख लीजिए, यह खेल अब भी चल रहा है और शुरू है। कौन बनेगा करोड़पति का खेल, अधिकारी खेलते हैं
और इस कड़ी में हम आपको बताते चले कि अभी घोड़ासहन में यह खेल चालू हो चुका है। सरकार जितनी भी योजनाएं दे रही है, जितनी भी लाभकारी और लाभप्रद योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि का आवंटन प्रखंड को हो रहा है, उन सभी योजनाओं का लाभ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि स्वयं ले रहे हैं। जनता को तो उससे कोई कुछ मिलने का चीज़ है ही नहीं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खाते में यानी कि अब तो चल चुका है एयरटेल बैंक, फिनो बैंक और बहुत सारे तरह तरह के छोटे छोटे बैंक, जिनमें जो है कि दलालों को व्यक्ति बताकर हस्ताक्षर के बदले अंगूठा लगाकर खाता खुलवाया जाता है और राशि उसी खाते में डालकर पुनः अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के पॉकेट में वह राशि पहुंच जाती है। और कौन बनेगा करोड़पति के खेल में, हर बार जीत अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की होती है और हार होती है यहाँ के भोली भाली जनता की। तो अधिकारी लुत्फ उठा रहे हैं, जनप्रतिनिधि मजे ले रहे हैं। जितना पैसा सरकार भेज रही है, चाहे वह सब पैसा मनरेगा योजना का हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, या लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान या स्वच्छ भारत मिशन का पैसा हो, सारा का सारा पैसा और इसके अतिरिक्त भी कोई योजना जो सरकार कागजों में चलाती है, जिसकी जानकारी हम जैसे लोगों को और आपको नहीं है, उन सभी योजनाओं की राशि घोड़ासहन में तैनात अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि फर्जी खाता खोलकर निकासी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों के पास 100 तरीके हैं जिसके माध्यम से सरकारी योजनाओं में घपले किए जा सकते हैं और इनकी शिकायत कहीं भी कर लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होता है। यहाँ एक कहावत प्रचलित है कि 9 माह में अधिकारी करोड़पति हो जाते हैं और जनप्रतिनिधि लखपति हो जाते हैं। किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, स्वच्छ भारत मिशन की सारी राशि जब दी जाने लगी तो वह व्यक्ति तो करोड़पति हो ही जाएगा। इसमें जो है कि कौन से अचरज की बात है। अब आपको हम बताते हैं अगली बातें। तो यहाँ आपको प्रखंड मुख्यालय में जो है कि घोड़ासहन में एक और भी चीज़ आप जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। घोड़ासहन प्रखंड मुख्यालय में दलाल पत्र निकाल कर प्रतिनियुक्त किए जाते हैं और उनका हस्ताक्षर भी मान्य कर लिया जाता है। दलालों के हस्ताक्षर के उपरांत ही अधिकारी उस पर अपना हस्ताक्षर अंकित करते हैं और जो है कि दलालों की बाजाब्ता पत्र लिखकर तैनाती के उपरांत उनके दस्तखत को भी मंजूर किया जाता है। आप किसी कार्य के लिए भी जाइएगा तो आपको दलाल को पैसा देना पड़ेगा और दलाल हस्ताक्षर करेंगे, तभी आपका कार्य संभव हो सकेगा। आज़ादी के बाद सैकड़ों की संख्या में अधिकारी करोड़पति बनकर इस प्रखंड से अपना जो है कि चले जा चुके हैं, लेकिन जनता आज भी बदहाल है और बदहाली की शिकार है और सड़कों पर है और दलालों के चंगुल में फंसने को मजबूर है और योजनाओं में घोटाले सतत जारी है, लेकिन न इसका कोई जांच कराने वाला है, न कहीं से कोई कार्रवाई होने वाली है। अधिकारियों के लिए जो है कि यह दुधारू गाय साबित हो रहा है। तो यही कहानी है हमारे घोड़ासहन प्रखंड की। अगर कहानी में कुछ कमी है तो आप हमें बताने का कार्य कीजिए कि और क्या क्या होता है घोड़ासहन प्रखंड में। हम जब जानेंगे तो उसे अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। एक सीरीज चलाएंगे हम घोड़ासहन प्रखंड को लेकर, जिसमें अब हम दस्तावेजी साक्ष्य अपने चैनल पर प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार किसके नाम पर कितनी राशि की निकासी की गई है और सरकार जो न्याय के साथ विकास का दावा करती है उसका दावा कितना खोखला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक वीडियो को इतना प्रचारित प्रसारित कीजिए कि आम जनता तक यह वीडियो भली भांति और सहज उपलब्ध हो सके। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय स्वतंत्र।